हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशाज इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस नाश्ता जो कि है मूढ़ी, जिसे कि पफ्ड राइस भी कहते हैं, चना और पकौड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक साथ। इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दिखाते हैं आपको नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस नाश्ता मूढ़ी, चना और पकौड़ियाँ। मूढ़ी को पफ्ड राइस भी कहते हैं, ये बिहार में बहुत ही फेमस है। तो चलिए हम इसे दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और चना को हम सूखा बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए चलिए हम देख लेते हैं। उसके लिए हमने ये 2 कटोरी चना ले लिया है, इसे हमने रात भर भिगो के रख दिया था। अब इसे हमने धो के इसका पानी निकाल लिया है। 5 से 6 प्याज बड़ी साइज का, इसे हमने लंबा लंबा काट के रख लिया है। और 8-10 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार ले, टेस्ट के अनुसार ले सकती हैं। और ये लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम चना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो चना बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने तेल दे दिया है। तेल हमने सरसों का तेल दिया है 6 बड़ी चम्मच। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, प्याज और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज को बहुत बारीक नहीं काटना है, नहीं तो गल जाएगा। प्याज को थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। बस इसमें और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे हम। इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब हम इसमें ये चना डाल देंगे। चना डाल के अच्छे से मिला देंगे। इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये नाश्ता बिहार में बहुत फेमस है, बिहार के हर घर में ये नाश्ता बनता है। एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर खाएं। अब हम इसे ढक देंगे। ढक के हम इसे पकाना है। इसमें हम पानी ऐड अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसे पानी ऐड करेंगे। तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चना उबला हुआ नहीं है हमारा। एक बार चना को फिर से हम चला देंगे। चना हमारा हो गया है, ये देख लीजिए
इसे बनने में 1 घंटा लगता है क्योंकि हम इसे उबालते नहीं हैं, इसे ऐसे ही कढ़ाई में पकाना है। तो चना को अच्छे से पकने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। और देखिए हमारा चना इस तरह का बनेगा। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, इसे सूखा ही बनाना है, तभी ये मूढ़ी के साथ अच्छा लगेगा खाने में। चना हमारा तैयार हो गया है, इसे हम एक कटोरे में खाली कर लेंगे। चना हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। अब हम पकौड़ी बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल में लिया है 100 ग्राम के लगभग सूजी, जितना सूजी लिया है उतना ही हम इसमें बेसन डालेंगे। इससे हमने दो बार ले लिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये मसाला का पेस्ट। इसमें हमने लिया है 1 प्याज, 10-12 कलियां लहसुन, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब इसे पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। हमारा पकौड़े का घोल एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह से घोल रखना है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ तलेंगे। पकौड़ियाँ तलने के लिए हमने ले लिया है 1 प्याज, इसे गोल गोल काट लिया है, ये कुछ बैंगन है इसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, कुछ मिर्ची जिसे हमने बीच से चीरा लगा के रख लिया है, और ये है आलू, इसे हमने पतला पतला काट के हल्का सा पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अब इन सब का पकौड़ी तल लेंगे हम। अब हम पकौड़ियाँ तलेंगे। पकौड़ी तलने के लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके पहले आलू की पकौड़ियों को तलेंगे। इस तरह से हम अपने पकौड़ियों को तलेंगे। फ्लेम हाई रख के ही तलना है। पकौड़ियाँ हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। ये आलू की पकौड़ी, बैंगन, प्याज, मिर्ची सबकी पकौड़ियाँ हमने तैयार कर ली है। चना हमारा पहले से तैयार हो चुका था। ये मूढ़ी है, इसे पफ्ड राइस भी कहते हैं। अब हम तीनों को सर्व करेंगे और इसके साथ थोड़ा नींबू और प्याज काट के ले लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बिहार का फेमस नाश्ता है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।